नमस्कार, न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर कई मुद्दों पर चर्चाएं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2:30 बजे दिल्ली निकलेंगे और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से वो मुलाकात करेंगे। प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम और इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम सीधा जुड़े हुए भोपाल से ज्यादा जानकारी के लिए। शुभम, केंद्रीय मंत्रियों से ये मुलाकात, दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कितना महत्वपूर्ण समझें? देखिए, बिल्कुल, जब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर होते हैं उनका ये दौरा महत्वपूर्ण हो ही जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात बातचीत होती है। इससे पहले के दौरे में हमने देखा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और आज का जो दौरा है, दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे भोपाल से और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत करेंगे। और आप देखिए कि जब वित्त मंत्री से अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलेंगे तो मध्य प्रदेश को लेकर ज़रूर बातचीत होगी और किस तरह से मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार के द्वारा भी जो फंड अलग अलग चीज़ों में दिया जाता है उसको लेकर भी बातचीत होगी, अलग अलग योजनाओं में, और एक तरह से मध्य प्रदेश के विकास को लेकर ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से चर्चा होगी। और इसके साथ ही क्योंकि जिस तरीके से व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा लाना है और ये जो मुलाकात हो रही है, कहीं ना कहीं जो शुभम इसमें ये भी देखने को मिल रहा है, जो पीयूष गोयल से मुलाकात है वाणिज्य मंत्री और उद्योग को लेकर, क्या कुछ संभव है? क्या राज्य में नए उद्योगों को लाने की दिशा में ये मुलाकात पीयूष गोयल से बेहद महत्वपूर्ण समझे? देखिए, बिल्कुल, और हमेशा से हमने इस बात को देखा है कि मुख्यमंत्री ने अगर किसी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की तो जो उनका विभाग होता है उससे संबंधित कुछ न कुछ योजनाएं मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, या अगर आप उद्योग की बात कर रहे हैं तो उस पर भी मुलाकात के बाद देखने को मिलेगा कि आने वाले 2 वर्षों में इस तरह के नए प्रोजेक्ट जो हैं वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से भी मुलाकात की थी, उनसे भी लगातार वो चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में आप लोग आइए और उद्योग लगाइए। तो दूसरा, हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को अगर आप देख रहे हैं जी, तो आत्मनिर्भर भारत तो चल ही रहा है, मगर उस दिशा में ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा फोकस दें। जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें भी मुख्यमंत्री इसी बात पर फोकस करते हैं, सभी मंत्रियों से कहते हैं कि आप अपने अपने विभाग में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत व्यापार हो या फिर रोजगार हो, दोनों पर फोकस कीजिए। कलेक्टर्स को निर्देश करते हैं कि आप अपने अपने ज़िले में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कुछ ना कुछ कीजिए। तो जब केंद्रीय मंत्री से भी मिलते हैं तो उनका फोकस यही रहता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि मध्य प्रदेश के युवाओं का फायदा हो। ठीक, शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण और 2 केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ ही पीयूष गोयल से मुलाकात है।